हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो बहुत सारे भाई जो है परेशान हैं, यानी यहाँ से जो है छुट्टी वगैरह में गए हैं और आना चाहते हैं। ओके, और बहुत सारे जो है एजेंट वगैरह आप सबको बता रहे होंगे या बहुत सारे यूट्यूबर भी बता रहे होंगे, भैया सऊदी अरब का जो है ना री एंट्री जो है ना एक्टिवेट ऑटोमेटिकली हो गया है। तो हम आप सबको यही बताना चाहेंगे कि देख लो, रीएक्टिवेट हो चुका है। तो आप जो है ना यहाँ पे जो है ना यानी छुट्टी वगैरह में गए हो, तो आप 3 साल तक डेट आपका एक्सपायर हो चुका है। तो आप सब जो है ना यानी 3 साल तक नहीं आ सकते हो। बाकी इधर उधर के चक्कर में ना रहें, रहोगे फंस जाओगे, आपका पैसा जो होगा डूब जाएगा, एजेंट वगैरह बोलेंगे। और यहाँ पे बाय द वे जो खुलता भी है, तो आपको जो है ना यानी जैसे कि वैक्सीन वगैरह कोरोना का जो है ना वैक्सीन जो अभी यहाँ पे सऊदी अरब में अलाउड है, जैसे कि कोरोना ये बहुत सारे वैक्सीन है, जैसे फाइजर हो गया, कोविशील्ड हो गया, वो सब जो है ना यानी ये अप्रूव है। तो ये वैक्सीन वगैरह जो लगा कर आइएगा, यानी दोनों डोज लगा कर आइएगा, जैसे कि दो डोज लगाना पड़ता है, तो दोनों डोज लगा कर आइएगा तो फिर यहाँ पे क्वारंटाइन नहीं होगा। और बिना जो है ना यानी वैक्सीन वगैरह लगा कर आते हैं यहाँ पे, तो लाजमी आपको जो है ना 1 हफ्ते के लिए जो है ना क्वारंटाइन किया जाएगा सऊदी अरब में। ओके, और कतार में तो जाइएगा तो आप जो है ना यानी वैक्सीन लगा कर जाइए या नहीं जाइए, फिर भी जो है ना आपको जो है ना यानी क्वारंटाइन लाजमी करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। ओके, वहाँ का रूल्स है। तो ऑफर वगैरह में ना रहा है, बाकी आप सबको मर्जी। हम तो यही कहना चाहेंगे कि भैया अभी जो ना फ्लाइट वगैरह नहीं खुला है, यहाँ का बैंड है यानी इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश का, ऑलरेडी हम पहले भी बता चुके हैं। और हमें जो ना एक ड्राइवर चाहिए रियाद के लिए, तो कोई भी भाई हो तो डायरेक्टली हमें संपर्क कर सकते हो, यानी तनाजुल ओनली। ओके, कफाला जो सऊदी अरब में रहते हैं वही भाई चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मसलम अल्लाह हाफिज़। और कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली मैसेज कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मसलम।